गाइस आज है मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। जीजू और हुदापी आप दोनों को ही हैप्पी एनिवर्सरी। कंप्लीट जैसा फील होता है घर में कोई एक लड़की चले जाती है तो। जब भी सबकी शादी हुई तो साला इतनी जल्दी एनिवर्सरी भी आ रही है सब। सो हेलो गाइस, मैं हूं विलाल और आप देख रहे हो आलतू फालतू। सो गाइस आप सभी का स्वागत है एक न्यू एक्साइटिंग व्लॉग में। तो गाइस आज हुदापी की एनिवर्सरी है गाइस और जीजू की। तो जीजू और हुदापी आप दोनों को ही हैप्पी एनिवर्सरी हम सभी की तरफ से और व्यूअर्स की भी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। कमेंट करके भर दो दुआएं दोस्ती। तो जाहिद तू बता कैसा रहा ये एक साल उदापी के बिना और उदापी के पहले भी। उदापी के बिना तो बहुत बुरा गया, मतलब उदापी रहती थी तो उसके साथ थोड़ी मस्ती मजाक होती रहती थी। उदापी को मतलब कुछ भी परेशानी वाली होती थी ना तो सब जाके उदापी को ही बताते थे। घर में बड़ी थी और एकदम अच्छा बॉन्ड था हम लोग का, तो उसी को हर चीज बताते थे। और जब हम लोग गोवा गए थे तो उधर बहुत मस्ती किए थे, बहुत ज्यादा मजा आई थी उदापी और जीजू के साथ। उदापी को जो तंग करते थे ना हम लोग, क्या मजा आती थी वो तंग करने में। जल्दी होता पिया देखो वापिस से तंग करने का। और हाँ मुस्तू अब्दुल अजीज। हाँ मेरे मुंह से भी कभी कभी अब्दुल अजीज को मुस्तू निकल जाता है। उदापी और जीजू आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक का हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोग ऐसी खुश रहो हमेशा और जल्दी जल्दी आओ। अटेंशन चाहिए भाई को, अटेंशन चाहिए। अटेंशन जल्दी पहन के आओ। तो गाइस एक साल जो पूरे गुजर चुके हैं, ये जो गुजरे हैं साल मतलब पता नहीं चला वैसे तो। जैसे कि अभी जाहिद ने बोला कि बॉन्ड उदापी के साथ हम लोगों का काफी अच्छा था। हर चीज हम लोग उससे शेयर करते थे, हर चीजें बताते थे। वो चीजें शेयर करने पर वो अच्छा कंसल्ट करती थी। ये सब चीजों में ना उदापी बहुत अच्छे से समझती थी क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी थी तो सबसे ज्यादा मैच्योर भी वही लगती थी, लेकिन भाई लोगों के बाद में। ठीक है, ये तारीफ के साथ रूस भी होना चाहिए क्योंकि गाइस हर चीज बैलेंस रखना चाहिए। रूस तुझे बताती हूँ जिंगे नहीं, ये तो दापी एफपी की लाइन है, एफपी की लाइन है जिंगे। तो गाइस हर चीज बैलेंस रखना चाहिए, उसको कभी तारीफ करो तो फिर रोस्ट भी करो ताकि बैलेंस रहे, ज्यादा सर पे ना चढ़े। बहने तो क्या हुआ, बहन लोगों तो मजा ही आते सताने में। इसके बिना वरना जिंदगी कटेगी कैसे। तो गाइस अभी उदापी आगे हम लोगों को वीडियो भी भेजने वाली है और गाइस घर में बाकी सब लोग भी है, मम्मी भाई जिशान भाई लोग सब लोग, और उन लोगों से भी जाके पूछते हैं कि कैसा गुजरा ये साल उदापी के बिना। हाँ पहले अपने ना रुइना से पूछ लेते। ओहो रुइना आ जाओ आ जाओ आओ। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी एनिवर्सरी हुदापी और जीजू दोनों को बहुत 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 ज्यादा विशेस और जल्दी से आओ, बहुत मिस कर रहे हैं आप। काफी तो आ जीजू भी आओ। अरे वाह क्या दिए यार, ये चीज बहन बोल सकती है गाइस। अभी तो आती है तेरे को बताती हूँ। उदापी को झेलना वैसे तो बड़ी बात नहीं, हाँ मस्ती मस्ती मजाक उदापी हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छे से। हाँ परफेक्ट तो पड़ेगा। हाँ वो तो खाली मस्ती में बोली उसने, कवर कर रही है उसने। कवर कर रही है। नहीं 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 सॉरी काट दूंगा मैं, ये फंस गया। तो गाइस अभी मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी को भी। मम्मी आपने विश की कि नहीं उदापी को, ये बताओ करीना। हाँ तो उदापी का पहला मतलब शादी के बाद पहला साल हो गया है। एक साल हो गया है, बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है। और बेबी भी है। हाँ वो मतलब डबल खुशी है हम लोगों को हर चीज की। पहले तो उदापी मतलब एक साल एकदम अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह उसका गुजर गया वहाँ पर भी, है ना। तो आप क्या दुआ देना चाहेंगे बस अच्छा जोड़ी अल्लाह का सलामत रखे अल्लाह का। सिर्फ ये साल नहीं आगे के आगे के पूरे जिंदगी भर जिंदगी के आबाद भी जिंदगी के साथ भी साथ में रहे। तो गाइस ये सब बड़े लोगों से जब दुआ मिलती है तो फिर काफी दिल खुश होता है। तो गाइस अभी भाई भी आ चुका है। तो उदापी को हम लोग ने एनिवर्सरी मैंने सबसे पहले रात में स्टोरी डाला सबसे पहले क्योंकि सब भूल गए थे गाइस, किसी को याद ही नहीं था आज 15 तारीख है। तो मैंने स्टोरी डाला, मैं बोला रात के 3 बजे मेरे को याद आया कि उसको विश करने का, मैं मैसेज डाल दिया भाईजान और उदापी को दोनों को। उन लोग ने सुबह उठ के रिप्लाई किया, बोला नींद से उठाता नहीं हूँ, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, एकदम वो दिन एकदम हिट कर रहा है
कि ये दिन इतना कुछ हुआ था उदापी के हाँ। वाले दिन इतना ज्यादा हम लोग हो गए थे इमोशनल कि बहन जा रही है अभी तो ऐसा बोल भी सकते कि अब आदत हो गई है लेकिन ये आदत मेरे को अच्छी नहीं लग रही है ऐसा थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा फील होता है घर में कोई एक लड़की चले जाती है तो बस याद आती है लेकिन वो इंशाल्लाह जल्दी आने वाली है गाइस आप लोगों को देखने मिलेगा उदापी को वापस से और बहुत अच्छा लगेगा और उदापी प्रेग्नेंट है तो अभी बेबी मुस्तु उदापी को लड़का होगा या लड़की लड़की और लड़की होगा या लड़का लड़का या जो बोलो एंड में वही होने वाला है पता नहीं इसका बोलना क्या सही हो जाए तो बस बोलो हैप्पी एनिवर्सरी तो गाइस आप लोग भी लोगों को बहुत ज्यादा प्यार दो कमेंट में हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो बहुत ज्यादा हम लोग को अच्छा लग रहा है देखते हैं उन लोग आएंगे तो उस लोग के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं देखते हैं जैसा भी रहेगा अपन तो गाइस हम लोगों ने उदापी के साथ पूरी जिंदगी मतलब मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी भाई भी अपनी पूरी जिंदगी उदापी हम लोग दोनों ने एक साथ ही गुजारे क्योंकि उदापी सबसे बड़ी है तो जब शादी हो गई तो शादी के बाद एक साल ये जो है जब मतलब गुजरा कब गुजरा बिना उसके पता भी नहीं चला लेकिन हर लम्हा वैसा लगता है कि हाँ के होना चाहिए था उसको भी यहाँ पर हम लोग काफ़ी चीज़ें इन्जॉय जब करते तो उसको काफ़ी मिस करते वो भी वहाँ पर से हम लोगों को काफ़ी मिस करती है मम्मी को मिस करती है मुस्तिजाब को मिस करती है मुस्तिजाब खाला के हस्बैंड को क्या बोलता है मुस्तु क्या जीजू बोलता ना जीजू का है हाँ मुस्तजाब भी जीजू बोलता है हम लोगों की तरह मैं मतलब मैं जीजू बोलता हूँ भाई तो भाईजान बोलता है तो वही सब अभी चलो अभी जल्द से जल्द और गाइस अभी आने वाली है उदापी की वीडियो आगे तो उदापी ने क्या क्या बोली है आपको क्या क्या मैसेज दी है वो भी देखना और उधर क्या चल रहा है वो भी बताइए उसने उदापी आने वाले बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है गाइस ठीक है भाई मैं चलता हूँ तो गाइस अभी मुमानी भी आ चुके हैं मुमानी भी कुछ कहना चाहते हैं आपको भी याद नहीं था ध्यान से होता है क्या इसको भी याद नहीं था मैं सबसे पहला विश किया फिर इसको मैंने याद दिलाया कि आज उदापी का वो एनिवर्सरी विश कर दे चलो उदा और यास दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी तो खुश रहो दोनों अच्छे से रहो मुमानी ऐसी जोड़ी बने हाँ बिल्कुल मुमानी एक ऐसी टिप दो जो कि पूरी जिंदगी भर साथ रह सके क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि मतलब शादी करने के बाद आप लोग साथ में रहे ऊंच नीच हुई जो भी हुआ लेकिन मुमानी भी अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से रिश्ता निभाए तो वैसे आप भी सिखाओ उदापी को कि कैसा रिश्ता निभाना चाहिए एक दूसरे का समझ के चलना चाहिए बराबर एक दूसरे का कहना सुनना चाहिए भाई अंडरस्टैंडिंग से ही पूरा सब चलता है रिलेशनशिप चलो उसको बेबी आने वाला है ना हाँ चलो वो भी अच्छे से रहे सही से हो तंदुरुस्ती हो तंदुरुस्ती रहे yes. अभी उदा यहाँ पे आएगी तो एक सरप्राइज ओ तो गाइस सरप्राइज है गाइस आप सबके लिए सरप्राइज है हाँ वो भी आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है हम लोग सब लोगों को पता है वो क्या सरप्राइज है बस आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रहने वाला है वो आप जल्दी पता चल जाएगा उदापी के आने के बाद तो अभी भाई और दोनों भाई आ गए अभी इन लोग से भी पूछ लेते हैं भाई एनिवर्सरी है उदापी हाँ मैंने विश किया तो विश कर दिया मैंने स्टोरी भी लगा दिया जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देख ली होगी नहीं देखे रहेंगे तो गाइस जाके देख लेना 360 अभी सबकी शादी हुई तो साला इतनी जल्दी एनिवर्सरी भी आ रही है सबकी अभी अभी मैंने वही फोटो जैसे पोस्ट किया मैं वही बैठ के देख रहा था कि एक साल हो गया इसको पोस्ट करे हुए इतनी बहुत जल्दी चला गया ना अच्छी क्या मेरे सामने इतनी सी थी खेलती थी मेरे साथ में तेरे से भी बड़ी है तो साथ में खेलते थे एक टाइम ऐसा था कि शादी की डेट गिनते थे आज 50 दिन बताए 40 दिन बचाए 7 साल हो गए 1 साल भी हो गया फास्ट दिन जा रहा है मेरे हाथों में खेली होगा आज देखो 1 साल हो गया शादी के आप लोग क्योंकि स्कूल में और घर में साथ में ही खेलते थे खिलौना खेलते थे खिचड़ी बनाते खिलौने में डालते थे और वो कंबल से घर बनाते थे पलंग के अंदर हम लोग क्या करते थे पलंग के अंदर रख के एक साइड का बंद करते थे एक साइड का ये कैबिन बनाते थे कि हम लोग का ये किचन है यहाँ खाना बनाते खाएंगे घर में कोई भी नहीं होता था सारे बड़े चले आते थे खाली हम लोग बच्चे लोग आके हो गई उससे खेलते थे छोटी छोटी पतीलियों में हम लोग खिचड़ी बनाते आज उसको बच्चा होने वाला उसका बच्चा आके खेलेगा अभी हमारे बच्चे के साथ ये सब सब चीज होना चाहिए क्या दिन पे कोई लाइफ था सुकून था कुछ टेंशन नहीं था आज इतना सब हेडेक हो गया सब बीवी बच्चे वाले हो गए शादी हो गई भाई भी होने वाला है बीवी बच्चे वाला
अभी सबके बच्चे, अभी सबकी लाइन से शादी है, सबकी अभी लाइन से बच्चे होगी इंशाल्लाह, सबके बच्चे खेलेंगे एक साथ। और गाइस सबसे बड़ा टेंशन आया अभी वो, गाइस आप जाके ना फुकट के चैनल पे देखना कि ईशान भाई के साथ स्कैम हो गया, एक बड़ा बहुत बड़ा स्कैम हो गया, तो वो चीज जरूर देखना गाइस। और आप भी सतर्क, और ये सब चीज से ना आप लोग को भी नसीहत मिलेगी, चैनल पे जाके देख लेना, आपको थोड़ी सीख मिलेगी। और जो भी हो ये हाँ देख लेना वो। फ्लैशबैक। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुदा। गाइस आज है मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, सो आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एक साल निकल गया हमारा यहाँ पे। ओ इधर आओ। हेलो। हैप्पी एनिवर्सरी। तो तुमको कैसा लग रहा है एक साल निकल गया? अरे कैसा लग रहा है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। हाँ मेरे को भी। शादी हो गई। बहुत जल्दी निकल गया एक साल हमारा, तो जल्दी अच्छा जल्दी खत्म होएगा, फिर बाद में पता नहीं कब यकीन होगा, यकीन नहीं हो तो और अच्छा। इनको तो अभी तक यकीन ही नहीं हुआ मेरे से शादी हो गई। हाँ चलो बाव मत खा लो ना। हाँ तुमको अभी तक यकीन नहीं हुआ ना, और हम लोग भी यहाँ पर ही एक साल मेरा इतना अच्छे से निकल गया, अपना जैसा ही फील हुआ यहाँ पर मुझे एक साल में, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहेगा। यहाँ पर सब बहुत अच्छे है यहाँ पर, और ये भी बहुत अच्छे है, ये तो सबसे ज्यादा अच्छा है। देखा बाल खराब, पहले टोपी लगा के बाल खराब हो गए थे, अभी वापस बना के फिर से बनाना पड़ेगा। सब लोग के साथ मतलब एक साल निकल गए पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और बाकी सब लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो मैं हमारा पोटू और ये हम लोग बहुत खुश है, और आगे भी खुश रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग आज घूमने आए हैं, रियाज मुझे घुमाने के लिए लेकर आए हैं। तो आज हम लोग कहाँ आए हैं? सफा मस्जिद आए हैं। देखो हाँ बहुत बहुत मस्त दिख रहा है, और यहाँ पर ये एंशिएंट टाइम पे बनी है, और यहाँ तालाब भी है मस्त एकदम। गाइस देखो यहाँ पर ये इस तरह से है, ये इसका बैक साइड है, यहाँ पर अभी भी अजान देते है, और यहाँ पर दरगाह भी है। अब हमारा घूम के हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वो मैं जब मुंबई आऊंगी तभी आप लोगों को बताऊंगी, सो आप लोग वेट कीजिए, और थैंक यू इतनी सारी विशेस के लिए, बहुत 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 थैंक यू, सो बाय बाय।